हेलो हेलो। यस सर दिस इज द बीन ए बी लोरी 25 लोमीटर पर मीटर, सॉरी 25 किलोमीटर मीटर, ठीक है, किलोमीटर, सर, वॉइस नहीं आ रहा सर आप। किलोमीटर। अभी आ रहा है वो वॉइस? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था, सुशीला हेम्ब्रॉम अगर है तो, यस सर है हम सर ओ नहीं बता पा रहे हैं। नहीं बता पा रहा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। रंजन कुमार, यस सर। हाँ, क्यों MA पर वैल्यू 0 है? सर सिंपली सपोर्टेड में एंड मोमेंट जीरो होता है सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है सुशीला। यस सर। हाँ हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है हमारा, तो एंड का जो सपोर्ट होता है वो हमारा सिंपली होता है, सिंपली सपोर्ट होता है, तो एंड पे हमारा मोमेंट 0 होता है। एंड MB पर वैल्यू कितना है हमारा? 36.67। 36 पॉइंट कितना है? थर्टी सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सेवन सिक्सटी सेवन सर। ओके किलोमीटर मीटर। क्यों हमारा B पॉइंट पे निकला है वैल्यू? चिरंजीत, यस सर। मेरा B पॉइंट पर वैल्यू क्यों निकला? सर उसको हम लोग फाइंड किए सर थ्रू डिफरेंट स्टेप सर। अच्छा, थ्रू डिफरेंट स्टेप्स हम फाइंड किए, तो मेरा, मैंने A पॉइंट पे भी तो फाइंड किया था, क्यों नहीं निकला उसमें? सर वो ए पॉइंट में तो आप बोले ना सर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता तो ये भी तो सिंपली सपोर्टेड है, देख रहे हो, सिंपली सपोर्टेड ये भी तो है, B पॉइंट भी तो सर। सिंपली। लेकिन इसमें सर आपका बी और सी में आपका ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ लोड इंसेंट्रिसिटी है सर। एसेंट्रिकली लोड, एसेंट्रिकली सर पॉइंट लोड लग रहा है उसमें सर बी सी। अच्छा ओके ठीक है। तो मैं देखो इस बीम को बना दे रहा हूँ, ये बीम हो गया तुम्हारा, ये तुम यही बोलना चाह रहे हो ना किरण जी? सर यही बोलना चाह रहे हो, ठीक है। 2 मीटर से इधर से और इधर से 4 मीटर से, तो इस कंडीशन में MA की MB की वैल्यू क्या होगी? क्या सर एमबी हाँ अभी बताओ, MB की वैल्यू कितनी आएगी? सर एमबी की वैल्यू आ जाएगी सर, इसमें रुकिए बता रहे हैं आपको। सो 40। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तब तक मैं दूसरे से पूछ ले रहा हूँ। नेहा खाल को यस हाँ क्या होगा वैल्यू यहाँ पर? ये मैं फर्स्ट सर पूछा कि MB की वैल्यू इतनी क्यों आई, ठीक है, ये सर ठीक है, अगर ये तुम्हारा सही है तो ठीक है, वरना बताओ कि यहाँ पे इस कंडीशन में MB की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर दो कंडीशन है, एक बीम तुम्हारा ये बना हुआ है, दूसरा बीम तुम्हारा ये बना हुआ है, ठीक है। हाँ सर बताओ, अच्छा मैं किसी और से पूछता हूँ अभी। सर 53.3 आ रहा है सर। ये 53.3 आ रहा है, ओके रुको मैं लिख ले रहा हूँ, 53.3, ठीक है।
क्या रहा है, किलो न्यूटन मीटर क्या रहा है? किलो न्यूटन मीटर सर। किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ओके वेरी गुड। ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। शिव शंकर। सर अच्छा शिव शंकर, ये बताओ ये एमबी की वैल्यू ये सही है कि एमबी की वैल्यू ये सही है? ये वाला 53.3 होगा। 53.3 लग नहीं रहा है, कौन सा सही है ये बताओ। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में लगना कुछ नहीं होता है, जो होता है एग्जैक्ट होता है। दीवार 53.3 है, 53.3 होगा ना? सर लग तो रहा है, लग नहीं सर, क्योंकि वो हाँ बोलो सर वो एमए का वैल्यू जीरो है उधर में, क्या कहते हैं, तो उसमें टोटल ले रहा है ना, इसमें काट सेक्शन काट के ले रहे इसीलिए। अच्छा इसमें सेक्शन काट के ले रहा है, ठीक है। मैं तो चलो ये तुम एक और बीम बनवा दिए हमको, एक बीम मैंने और बना दिया, ओके ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब बताओ यहाँ पर एमए की वैल्यू कितनी होगी और एमबी की वैल्यू कितनी होगी, बताओ शिवशंकर, यही बताओ वो। अच्छा मैं तीनों बीम बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम लोग अभी थोड़ा सा ये जनरल ही नहीं जान पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। अब बताओ यहाँ पर एम सी की वैल्यू कितनी होगी एंड एम डी की वैल्यू कितनी होगी? बना के बता रहे, ठीक। अच्छा बना के, तब तक देखो बना के। संदीप कुमार, यस हाँ बताओ इसमें तुम क्या बता सकते हो। चार बीम तुम्हारे पास है, चारों बीम में कौन सा आंसर कितना आएगा ये बता दो। बना करके देखना पड़ेगा सर। ओह गुड, वेरी गुड, ठीक है बनाओ फिर तब तक। एंड लास्ट है कौन है, सुमित्रा कुमारी। सुमित्रा कुमारी तुम इसमें इसमें से कुछ बता सकती हो क्या? ओके 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 ठीक है, आवाज बहुत, कुछ बता सकती हो इसमें से चारों कंडीशन में से? मेरा फर्स्ट बीम ये यहाँ पर बना हुआ है बड़ा सा ए बी सी डी, सेकंड बीम मेरा बना है बी सी, थर्ड बीम सॉरी सेकंड ये हो गया मेरा ए बी, थर्ड हो गया मेरा बी सी एंड फोर्थ बीम मेरा बना है सी डी। इसमें से कौन सा कितना मोमेंट होगा बता सकती हो? ठीक है नहीं मालूम है, ओके नहीं मालूम है, ओके। मधुसूदन, यस सर, हाँ बताओ किस कंडीशन में कितना सर, मोमेंट जो होगा? अलग अलग बनाए हैं उसका सबका वैल्यू जीरो होगा। अलग अलग जो बनाए हैं उसका सबका वैल्यू जीरो होगा है yes, ना? मैं मतलब तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा ना? कहाँ पे सर? हाँ यस सर जीरो हो जाएगा। अच्छा इस दूसरे वाले बीम में बताओ कितना होगा, इसमें कितना होगा? उसमें भी जीरो हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड तो इन पे जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें कितना होगा, थर्ड में जीरो हो जाएगा? यस सर जीरो हो जाएगा। इसमें कितना होगा एमसी? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। यस और नंबर फोर में? उसमें भी जीरो हो जाएगा, दोनों में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा इस फर्स्ट वाले केस में? फर्स्ट वाला केस में सर फिक्स्ड बीच इंटरमीडिएट है तो सर वो फिक्स इंटरमीडिएट का काम करेगा, तो उसका जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा निकालना। अच्छा, पड़ेगा। और एमबी? एमबी एमडी तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर एमसी क्या आएगा, एमसी तुम लिखे नहीं, इस तो तुम क्लास में नहीं हो, ठीक है, तो ओनली ज्वाइन हो क्लास में नहीं हो, तुम कह रहे हो निकालना पड़ेगा, अभी मैं निकलाया हूँ तुमको मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है ना तुमको? अच्छा अमित बताओ कितना वैल्यू लिखे थे, किसी को जो लिखा हो जोड़ो भी। 23.33 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा जितने लोग भी नहीं समझे हैं तो समझ लो, मधुसूदन हेम्ब्रॉम सही बोला है,
और जितने भी जिसको भी नहीं मालूम था वो मालूम कर लो, जिसको मालूम था तो ठीक है, अच्छा है कि हाँ सबको सब कंडीशन मालूम है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी बीम हम बनाते हैं कंटिन्यूस बीम, ठीक है, तो जो सब मीन्स कॉर्नर पे जो सपोर्ट होता है वो सिंपली सपोर्ट होता है, तो उसमें मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। बट जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं, जो मिडिल में होते हैं, वो एज ए फिक्स एंड काम करते हैं, फिक्स सपोर्ट काम करते हैं। ओके चिरंजीत मोदक? यस सर। जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं वो तुम्हारे एज ए फिक्स सपोर्ट वर्क करते हैं, ठीक है? यस सर। तो तुम जो यहाँ वैल्यू निकाल रहे थे ये डीसी पार्ट में, तो तुम्हारा गलत था वहां पे, एमबी वहां पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉर्नर पे सपोर्ट लगा है, ये भी कॉर्नर पे सपोर्ट लगा है, तो वो जीरो होंगे, ठीक है। सुशीला हेम्ब्रॉम? यस सर। हम तो बोले थे, हम थोड़े बोले थे। अच्छा ठीक है, और कौन बोला था? शिवशंकर? हाँ सर, समझ गए सर। ओके ठीक है, तो अच्छे से सब लोग देख लो इसमें कि जब भी कंटिन्यूअस बीम होता है तो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होते हैं वो हमारे फिक्स वर्क करते हैं, फिक्स एज ए फिक्स सपोर्ट वर्क करते हैं, ठीक है। अमृत तुझे सर? यस सर। हाँ तो क्लास में सभी लोग ध्यान से देख लो एक बार कि कहाँ पर कितना वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा एम ए आ गया, एम बी आ गया, एम सी आ गया एंड एम डी आ गया। ओके अभी हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको ड्रॉ करना है फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, अभी सब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी हम ड्रॉ करते हैं, ओके ड्रॉ करते हैं, एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं इसके नीचे हम इसी बीम में, जो भी हमारा है यही सब प्रोजेक्शन ले रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि काम नहीं कर रहा है जो भी हम पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। अभी प्रोजेक्शन ले लिए, तो अभी सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट, ठीक है। देन क्या ड्रॉ करता हूँ, फिक्स एंड मोमेंट, ठीक है। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया तो कितना आया था यहाँ पर, 80 किलोन्यूटन आया था, आया था ना, ये आया था 80 किलोन्यूटन मीटर आ गया था, ठीक है। ये पॉइंट ए था, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसी में ही सुपर इम्पोज कर दू, बट मैं नीचे बना के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे बना के बता रहा हूँ। ये तुम्हारा आ गया 40 न्यूटन का, ये 40 न्यूटन का है, ठीक है। देन उसके बाद हम, ये कौन सा डायग्राम हुआ जो हमने पहले बनाया, इसको क्या बोलते हैं, हेलो, न्यू डायग्राम सर, है ये वाला न्यू डायग्राम, यस ये न्यू डायग्राम है, जो हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो न्यू डायग्राम होता है। एंड अभी हमको क्या बनाना है, न्यू डैश डायग्राम बनाना है। तो न्यू डैश डायग्राम अभी मेरा कितना कितना वैल्यू आया है, एम ए पे जीरो आया है, एम बी पर आया है 36.5
67 तो 36.67 मीन्स ये 80 है, तो 80 से कुछ कम है, आधा होगा हाफ, तो मेरा सपोज मान लो यहाँ पे हाफ आएगा, ठीक है। ए पॉइंट पे जीरो है हमारा, तो ए पॉइंट पे जीरो ही रहेगा, जीरो से लेके 36.7 तक जाएगा, तो 36.7 तक मेरा ये चला गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितना है, 36.67, ठीक है, किलोमीटर मीटर, ये है किलोमीटर मीटर। देन मेरा सेकंड वैल्यू आया है एमसी, एमसी कितना आया है 23.3, तो ये सी है, सी पॉइंट पे मेरा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। कितना है ये वैल्यू, 23.3 किलो न्यूटन मीटर, तो इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। देन हमारा एम डी वैल्यू क्या है, जीरो है, ये एम डी है, डी है ये पॉइंट, तो डी पर हमने जीरो इसको, ठीक है। जो मेरा न्यू डैश का पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो न्यू डैश का होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये कौन सा पार्ट है, ये न्यू डैश है कि न्यू का है, न्यू डैश, ये न्यू डैश है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन ये पार्ट हमारा न्यू का डायग्राम है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देन क्या है हमारा, ये जो पार्ट है ये न्यू न्यू डैश का है, प्योरली न्यू डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये वाला जो बना हुआ है, ये कौन सा पार्ट है, न्यूट्रल रहेगा सर, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है तो वो क्या हो जाता है, वहां से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर कैंसिल आउट हो जाता है, तो न्यूट्रल पार्ट हो जाता है, ओके। तो हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, कैसे बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, एंड कैसे ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइनल, ठीक है, ये फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अगर मुझे निकालना हो क्या, अगर मुझे निकालना है शियर फोर्स डायग्राम, तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में सारा चीज हो जाएगा। अगर मुझे शियर फोर्स डायग्राम निकालना है तो क्या करेंगे, हेलो हेलो, रिएक्शन कैलकुलेट कर देंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करो, यहाँ पे, यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट कितने हैं, दो इंटरमीडिएट सपोर्ट है, एक है बी पॉइंट एंड एक है सी पॉइंट, तो दोनों पे हमको क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा दोनों पॉइंट के अबाउट, ठीक है, बी पॉइंट के अबाउट एंड सी पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लेना पड़ेगा, ओके। अब मोमेंट लो, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सभी लोग रिएक्शन निकाल के बताओ, ये बाद में मत बोलना कि सब निकाल के बताना पड़ेगा, अगर पढ़ना पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो ज्वाइन मत करो, छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी के अबाउट क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है, मोमेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बी के अबाउट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हेलो, ये बी ए है, ये बी डी है, बी सी एंड बी सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अगर मैं ये बी के अबाउट ले रहा हूँ मोमेंट, तो हो जाएगा वी ए इंटू डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर इंटू 3, एंड और कोई यहाँ पर लग रहा है कुछ, कोई लोड लग रहा है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए बी पार्ट में, हेलो, नो सर, नो, ठीक है, नहीं लग रहा है, तो
तो इक्वल टू कितना, अब बी पॉइंट में मोमेंट कितना है? जीरो। बी पॉइंट पे बाबू मोमेंट कहाँ पे है, कैसे मोमेंट जीरो हो जाएगा? 6 किलोन्यूटन सर। -36.67 है ना, तो उसको जीरो क्यों बोल रहे हो बाबू? yes, तो -36.67 ठीक है। तो यहाँ वीए कितना आ जाएगा? हमने क्या बोला है, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ले रहे हैं ए पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट इसमें काउंट होगा ना, ठीक है। तो वीए कितना आ गया? -12.22 किलो न्यूटन। अच्छा ये माइनस लग रहा है, तो माइनस मीन्स क्या होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड? डाउनवर्ड साइड। यस, डाउनवर्ड साइड में ये जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, गलत बना हुआ है। हमको किधर बनाना है, डाउनवर्ड साइड में बनाना है, और डाउनवर्ड साइड में बना के अगर यहाँ पर 12.22 किलो न्यूटन लिख देते हैं तो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि मैंने जब इसका इंडिकेशन ही डाउनवर्ड कर दिया है, तो यहाँ माइनस लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, हेलो हेलो, ठीक है, yes, मैं अगर है, अगर मैंने माइनस लिख दिया है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, बट अगर डाउनवर्ड में मैंने इंडिकेट कर दिया है तो यहाँ पर माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं सी पॉइंट पे, मोमेंट लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर मैं सपोज सी पॉइंट पे ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो इधर पूरा कैलकुलेट करो इस साइड से, कितना हो जाएगा, बी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 नहीं 6 है टोटल ना डिस्टेंस, तो 3 प्लस 9 टोटल 9। देन माइनस, माइनस इस पे कितना लोड भी लग रहा है ना, हेलो हाँ, उसके बाद ये भी बी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है ये भी क्लॉकवाइज, तो बी वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर, देन कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर मोमेंट कितना लग रहा था, हेलो ये तुम्हारा 12.22 नहीं, ये नहीं, ये तुम्हारा लोड कितना है, यूनिट लोड कितना था, 60 किलो न्यूटन, माइनस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना -60 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 4 मीटर था ना, 4 मीटर इक्वल टू सी पॉइंट पे मोमेंट कितना आया है, 23.33 -23.33। अभी इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, अभी हम बीए का वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर, बीए का वैल्यू रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ वी वी इज इक्वल टू हाउ मच, 54.44 किलोमीटर। एंड ये किस डायरेक्शन में होगा, हेलो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अच्छा मेरा काउंट हो गया है, वीए काउंट हो गया है, वीबी काउंट हो गया है, देन हमको क्या करना, काउंट करना है
बीसी काउंट करना है, बीडी काउंट करना है। तो मोमेंट अबाउट हम किससे ले लें अभी? हेलो हेलो मोबाइल हेलो यस सर। अच्छा अभी मैंने काउंट कर लिया है, वीए काउंट हो गया, वीवी काउंट करना है। अभी मुझे क्या काउंट करना है और? सर वीडी, वीडी काउंट करना है एंड बीसी भी काउंट करना है। बीडी एंड बीसी दोनों काउंट करना है। बीसी एंड बीडी दोनों काउंट करना है। तो मैंने अभी थ्री पॉइंट पे जो भी मोमेंट लिया था तो रिएक्शन को कौन सा है? ए साइड के रिएक्शन को मूव कराया था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सी के राइट साइड का मोमेंट काउंट कराता हूँ, मूव कराता हूँ, ठीक है। जितना भी रिएक्शन या मोमेंट लोड लग रहे हैं उनको मैं मूव कराता हूँ, ठीक है, सी पॉइंट के राइट साइड का। सी पॉइंट के राइट साइड का क्या हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं? बेंडिंग मोमेंट एट सी। अगर बेंडिंग मोमेंट एट सी कर रहे हैं तो अगर हम राइट साइड ले रहे हैं, पॉइंट सी का राइट साइड ले ले, तो कितना हो जाएगा? बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितना है? 3 मीटर। ये समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ? हेलो आवाज नहीं जा रहा। हेलो यस सर। मैं क्या करा रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस क्या समझ में आ रहा है? राइट साइड से मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। यस पहले मैं सी के लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन किया हूँ, देन मैं क्या कर रहा हूँ राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया? बी डी इंटू थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू माइनस जो सी पॉइंट पे तुम्हारा मोमेंट है कितना है? 23.33। तो यहाँ पर वैल्यू VD का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 7.78 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। देन हमको अभी क्या निकालना है? मुझे क्या मिल गया है? BA मिल गया, BC मिल गया, देन BD मिल गया। अभी क्या निकालना है हमको? क्या निकालना है? हेलो वीसी निकालना है। हाँ वीसी निकालना है, ठीक है। तो हमको मालूम है, जल्दी से तुम लोग कर लो, तुम्हारा टाइम भी हो गया है। तो हम लोग को मालूम है बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी प्लस बी बी इक्वल टू कितना है? अपवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है? ओनली 60 किलोमीटर। ओके तो VC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस ब्रैकेट में VA प्लस VB प्लस BD, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा VC इक्वल टू आ जाएगा 25.56 किलो न्यूटन। हेलो हेलो yes, ये तुम लोग का स्क्रीन ऑफ हो गया, ठीक है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, स्क्रीन ही ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा लास्ट वैल्यू तुम्हारा कितना था? वीसी निकालना था ना, तो वीसी तुम्हारा कैलकुलेट कर लेना 60 माइनस बी ए प्लस बी वी प्लस BD ये रहेगा, ठीक है। तो टोटल का वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? आंसर तुम्हारा टोटल आ जाएगा 25.56 किलो न्यूटन। ये किस डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड की अपवर्ड डायरेक्शन? हेलो ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। ओके ठीक है, तो इतना तक तुम लोग सॉल्व कर लेना और आगे क्वेश्चन मैं दूसरा टाइप का बताऊंगा, ठीक है। हेलो
हेलो यस सर यस सर ठीक है तो आज इतना ही रहने देते हैं और तुम लोग का अभी हम अटेंडेंस बना दे रहे हैं, अभी अटेंडेंस हुआ नहीं है तो तुम लोग अटेंडेंस बना के ही जाओ अपना। ओके यस सर ओके तो मैं अटेंडेंस देख ले रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा सब लोग होल्ड पर रहना। अच्छा तुम लोग का अटेंडेंस शायद ये एलएमएस वर्क नहीं कर रहा है, देखो किसी का एलएमएस वर्क कर रहा है क्या? नहीं सर एलएमएस वर्क नहीं, लाइन कट गया होगा कॉलेज का। कॉलेज का लाइन कटने से नहीं मतलब है, ये तो क्लाउड में है ठीक है, अभी कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ओके अमृत ओके सर हाँ क्योंकि ये अभी क्लाउड में है ठीक है, तो क्लाउड से इसका कॉलेज से कोई रिलेशन अभी नहीं रहेगा एलएमएस का। पहले जो आईडी था वो कॉलेज से था, कॉलेज से चलता था, बट अभी इसको क्लाउड से कर दिया गया है इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है मैं अटेंडेंस तुम लोग का स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, उसी से बना दूंगी। ओके सो थैंक यू फॉर दिस टुडे सेक्शन। हेलो थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। नाउ यू ऑल कैन मूव।